गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एम एस तिरंकारी पब्लिक स्कूल से आपके लिए वीडियो कॉल लेकर आई हूँ। मैं व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 3। चैप्टर है 4 और लिंग और वचन। तो लिंग और वचन के बारे में आपको समझाने जा रही हूँ। वैसे अब देखिए, इन चित्रों में ऊपर दिए गए सभी नर हैं और नीचे दिए गए सभी मादा हैं, यानी लिंग और वचन। लिंग और वचन के मालूम है, जैसे मान लीजिए लिंग कितने होते हैं, लिंग 2 होते हैं। ऐसे भी हिंदी में भी देखिएगा तो लिंग कितने होते हैं, लिंग 4 3 होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि लिंग 2 है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यानी इस स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। और इसमें भी जैसे अब 3 आपको बताया कि इसमें 2 ही दिया है, मगर 3 लिंग होते हैं। 3 में बताया कि अपुंसक और नपुंसक लिंग होता है। जैसे मान लीजिए नपुंसक लिंग में भी 2 लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जिसके द्वारा हम जैसे मान लीजिए लिंग निर्णय द्वारा हमें वाक्य बनाना है। तब जैसे मान लीजिए अगर हमने कुर्सी से वाक्य बनाया, किताब से वाक्य, कुर्सी से वाक्य बनाया और बनाया कि लिंग निर्णय द्वारा वाक्य बनाया। तो बच्चों आप लोग बना देते हैं कि कुर्सी अच्छा है या कुर्सी पर हम लोग बैठते हैं, ये वाक्य नहीं हुआ। लिंग निर्णय द्वारा वाक्य, लिंग निर्णय द्वारा यानी उसको ऐसे बनाना है कि हमारी ये पहचान आए कि कुर्सी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो कुर्सी जो है स्त्रीलिंग होती है, ये बनाए कुर्सी अच्छी है या कुर्सी टूटी हुई है, ये हो गया लिंग निर्णय द्वारा। ये नहीं कि कुर्सी पर हम बैठते हैं तो ये आपको लिंग की पहचान नहीं होगी। बच्चों ये जानना जरूरी, लिंग की पहचान जरूरी है। तो देखिए जैसे मान लीजिए आपको इसमें तो पहचान आ जाएगा प्राणियों में स्त्रीलिंग पुल्लिंग की कौन स्त्री। जैसे मान लीजिए औरत आदमी, लड़का लड़की, कुत्ता कुतिया, मोर मोरनी, ये आपको तो प्राणियों में आपको पहचान आ जाएगी लिंग की, मगर नपुंसक लिंग में आपको लिंग की पहचान नहीं आएगी। लेकिन वो आगे आपको पढ़ाएंगे, पर जो इस चैप्टर में दिया है वो मैं पढ़ाने जा रही हूँ। अब देखिए आपको पहचान आ गया, जैसे मान लीजिए ऊपर वाले फिगर में आपने देखा कि लड़का है, पुरुष है, अध्यापक है, मोर है, ये कौन सा लिंग आ गया, पुरुषवाचक लिंग आ गया। और नीचे देखिए लड़की है, स्त्री है, अध्यापिका है, मोर है, ये कौन सा लिंग आ गया, ये आ गया स्त्रीलिंग। अब तो इसमें आपको अभी हमने बता ही दिया कि शब्दों के जिस रूप से यह पता चलता है वह शब्द नर जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है अथवा मादा जाति के लिए उसे लिंग कहते हैं। जैसे मोहन लड़का, कुत्ता मोर, ये हो गया पुल्लिंग। मोनी लड़की, कुतिया टोली, ये हो गया स्त्रीलिंग। अब लिंग के प्रकार देखिए, अभी बताया कि लिंग के 2 प्रकार। अब वचन भी आपको बताया, देखिए वचन लिंग समझाया हमने, तो वचन भी समझ लीजिए कि हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन द्विवचन। अब ये आपको संस्कृत में 3 वचन होते हैं, 3 संस्कृत वाला वचन आप इसमें समझ लीजिए कि हिंदी में भी ऐड कर लीजिए, नहीं हिंदी में भी उसको नहीं लेंगे, क्योंकि हिंदी में 2 ही वचन होते हैं। अगर 2 वस्तु रहे, 2 कोई चीज़ रहे, तब उसको हिंदी में बहुवचन लेंगे और संस्कृत में उसको द्विवचन लेंगे। जब 2 से अधिक रहेगा तो उसको बहुवचन लेंगे। अब आइए बच्चों लिंग के प्रकार। तो लिंग के 2 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, अभी हमने समझाई थी। अब लिंग की पहचान दे रहा है पुल्लिंग शब्द। अग्रलिखित के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। देखिए आगे देखिए, जैसे बच्चों दिया दिनों के नाम, दिनों के नाम दिया रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। और दूसरा दिया है आदि के माने, बच्चों आप समझ ही होंगे, जैसे दिया है कि बुधवार तक दिया आदि का मतलब, और कि जैसे बुधवार, इसके बाद आएगा बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार आदि। और दूसरा देखिए हिंदी महीनों के नाम, फागुन, हिंदी में महीनों के नाम फागुन, चैत्र, वैशाख आदि।
ये मालूम हो गया। ये हिंदी का नाम है, जो जनवरी फरवरी होता है वह अंग्रेजी शब्द होता है। अब देखिए ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम हो गया बुध शुक्र शनि बृहस्पति मंगल आदि हो गया। किंतु पृथ्वी इसका उपवाद है, यह स्त्रीलिंग शब्द है। अब नंबर चार में देखिए सागरों के नाम, अरब सागर, काला सागर, लाल सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि। अब पांच है पहाड़ों के नाम, हिमालय, हिमाचल, नीलगिरी आदि। देशों के नाम आया, भारत, नेपाल, कनाडा, अमेरिका, चीन, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस आदि। अब देखिए महाद्वीपों के नाम, सात नंबर में एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका आदि। आठ नंबर है धातुओं के नाम, धातुओं के नाम देखिए सोना, तांबा, लोहा, जस्ता, पीतल, कांसा आदि। किंतु चांदी इसका अपवाद है, यह स्त्रीलिंग शब्द है। चांदी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखिए चांदी स्त्रीलिंग शब्द क्यों आ रहे हैं, यह आपको समझना है। क्योंकि ई का अर्थ करता है, इसलिए स्त्रीलिंग शब्द है। ई का अर्थ नहीं, ई का अर्थ आपको इस ध्वनि पर स्वर भी आपको बताया कि छोटी की और बड़ी की या छोटा हो कि बड़ा हो पर ध्वनि आपको बताएगा। अब देखिए नौ नंबर में है खनिज पदार्थों के नाम, कोयला, तेल, अभ्रक आदि। दस में है रत्नों के नाम, हीरा, मोती, मूंगा, नीलम, पन्ना आदि। ग्यारह नंबर है वृक्षों के नाम, आम, अमरूद, सेब, संतरा, आड़ू, नींबू, अशोक आदि। किंतु इमली, मौत, तिरी ये दोनों अपवाद हैं, ये दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। बारह नंबर में अनाजों के नाम, गेहूं, जौ, बाजरा, चना, चावल, धान आदि, पर मक्का इसका अपवाद है, यह स्त्रीलिंग शब्द है। मक्का जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अब इसमें देखिए कि मक्का स्त्रीलिंग शब्द क्यों आया, क्योंकि आकार आया, इसलिए इसको स्त्रीलिंग शब्द मिला। अब देखिए तेरह नंबर में आया भोज्य पदार्थों के नाम। अब भोज्य पदार्थों के नाम जानिए, जैसे लड्डू, हलवा, रायता, डोसा, छोले, भटूरा, अचार, पेड़ा, रसगुल्ला, समोसा आदि। ये हो गया भोज्य पदार्थों के नाम यानी खाने। अपवा देखिए कचौड़ी, पूरी, पकौड़ी, खीर, कढ़ी, दाल, चटनी, बर्फी, इडली, रोटी, जलेबी, तरकारी, मिठाई आदि। अब इसी सब देखिए, यह हो गया उन्हीं शब्द में आया था आपका। अब देखिए स्त्रीलिंग शब्द में निम्नलिखित शब्द, निम्नलिखित के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम देखिए, ये स्त्रीलिंग में आए थे, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तुंगभद्रा, घाघरा आदि। दूसरा झीलों के नाम, डल, भूलन, चिल्का, सावर आदि। नंबर तीन है नक्षत्रों के नाम, चित्रा, भद्रा, अद्रा, वर्ण आदि। नंबर चार है हिंदी तिथियों के नाम, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, अमावस्या, पूर्णिमा आदि। ये तिथियों के नाम। तब भाषा के नाम, भाषाओं के नाम, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, चीनी, रूसी, पुर्तगाली, स्पेनी, मलयालम आदि। अब खेलों के नाम देखिए, कबड्डी, कुश्ती, हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, टेनिस, दौड़, तैराकी, निशानी, कुश्ती। अब आया पुलिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए। अब पुलिंग से स्त्रीलिंग को हम कैसे बनाएं, तो बच्चों इस पर ये चैप्टर एकदम ध्यान देने लगा है। जैसे कि मान लीजिए अगर हिंदी भाषा हम लोग बोलते हैं या आप लोग हिंदी भाषा जब बोला जाता है तो इसमें बोलने के दौरान क्या गलत होता है, वचन और लिंग। जैसे मान लीजिए प्राणियों में हमको अपनी पहचान लेते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग की, जो नपुंसक लिंग आता है उसमें आपकी पहचान नहीं हो पाती है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की, इसीलिए इसमें हमको हिंदी बोलने में गलत होता है, वचन और वचन बोलने में भी गलत होता है।
अब दूसरा देखिए, और से समाप्त होने वाले पुलिंग शब्दों, पुलिंग शब्दों में आ लगातार स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे पुलिंग शब्दों में आ लगातार इसलिए, जैसे मान लीजिए आदरणीय, ये पुलिंग है। अगर हमको स्त्रीलिंग में बनाना है तो आदरणीय हो गया, पूज्य पुलिंग है, पूज्य स्त्रीलिंग आ गया। ये आप तो पहले ही बताया कि आ का रंग जो आता है वह स्त्रीलिंग में आता है, ई का रंग जो आता है स्त्रीलिंग में आता है। जैसे मान लीजिए महोदय, महोदया, ये देखिए महोदय अकारांत है, ये पुलिंग में आ गया। महोदया ये अकारांत है, ये स्त्रीलिंग में आ गया। शिष्य ये अकारांत पुलिंग आया, और शिष्य अकारांत ये स्त्रीलिंग में आ गया। आचार्य ये पुलिंग आया, और आचार्य ये स्त्रीलिंग आ गया। सूत पुलिंग आया, और सूता स्त्रीलिंग में आ गया। तब दो नंबर में देखिए, पुलिंग शब्द के अंत में आने वाले अक के स्थान पर इका करके स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे देखिए सेव, अब इका सेवक है तो सेविका, इका आया, यानी ई की मात्रा आई और आ की मात्रा आई, तो सेविका हो गया। ये हो गया स्त्रीलिंग बनना। अभी दिया है पुलिंग के शब्द के अंत में आने वाले अंक के स्थान पर ईका कर गया, ईका आया। अब देखिए ईका कैसे, जैसे सेवा और सेविका, ई आया और का तो सेविका बन गया। बालक बालिका आ गया, लेखक लेखिका, अध्यापक अध्यापिका, गायक गायिका, नायक नायिका आ गया। अब आ गया पुलिंग शब्द के अंत में अ या आ को ई में बदलकर स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए पुलिस शब्द के अंत में अ या आ को ई में बदलकर, यानी बड़ी में बदलकर स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे देखिए देव, अब देवी, देव हो गया पुलिंग हो गया, देवी स्त्रीलिंग हो गया। पुत्र पुत्री, बेटा बेटी, दादा दादी, लड़का लड़की, बकरा बकरी। ये तो बच्चों खैर आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब देखिए अंतिम आ के स्थान पर या लगाकर पुलिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे बेटा, बेटा आ गया हो गया बिटिया, लोटा लुटिया, बूढ़ा ये स्त्रीलिंग बन गया, बूढ़ा बुढ़िया, गुड्डा बुढ़िया, चूहा चूहिया, कुत्ता कुटिया। अब देखिए कुछ पुलिंग शब्दों के अंत में ई लगा, इन लगाकर स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए माली माली, तेली तेली, लुहा लुहारी, ये सब तो आदि बन गया। अब आया कुछ पुलिंग के शब्दों में नी लगाकर, अब देखिए नी कैसे शेर शेरणी, शेर शेरणी आदि, ये बन गया। अब आया कुछ पुलिंग शब्दों के अंत में अ होता है तो उनमें आनी जोड़कर स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे देव देवरानी, नौकर नौकरानी आदि, ये बन गया। अब आया कुछ पुलिंग शब्दों का स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल भिन्न हो जाता है, कुछ पुलिंग शब्दों का स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल भिन्न हो जाता है। जैसे बैल, बैल पुलिंग है, तीस के लिए स्त्रीलिंग बन गया गाय। पुरुष स्त्रीलिंग, पुरुष और स्त्रीलिंग बनाना है हमको। जैसे मान लीजिए राजा पुरुष हो गया और रानी स्त्रीलिंग हो गया। पिता पुलिंग हो गया और माता स्त्रीलिंग हो गया। इस तरह से आदि आपको बन जाएगा। अब आइए अब देखिए, जैसे दिया है एक स्त्री है और एक चिड़िया, तो बच्चों चिड़िया, चिड़िया को ये एक वचन में है, एक ही है चिड़िया, यानी एक वचन में। अगर चिड़िया को हमने बहुवचन बनाना है तो क्या बनाएंगे, चिड़िया और चिड़िया, चिड़िया और चिड़िया, यानी इस पर आया पर चंद्रबिंदी लगा देंगे कि ये बहुवचन शब्द बन जाएगा। अब देखिए आया, जैसे अनेक स्त्री
स्त्रियाँ, अनेक की स्त्रियाँ, अनेक की स्त्रियाँ और अनेक चिड़िया। देखिए चिड़िया बहुवचन आया, एक चिड़िया रहेगी तो चिड़िया लिखने में हम चंद्रबिंदु नहीं लगाए, और बहुत सी चिड़िया रहेगी तो चिड़ी चंद्र। गिलहरियाँ एक अनेक गिलहरियाँ, अब आया। देखिए बच्चों जिस शब्द से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन मालूम है, वचन कितने कहते हैं, जिस संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। अब वचन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अब आपने सेम पुलिंग में समझ लिया, अब आया वचन। अब वचन भी समझ लीजिए कि वचन क्या होता है, ठीक है। इसे वचन है, अब आ गया। वचन दो प्रकार के होते हैं, आपको बताया, एक वचन और बहुवचन। ये हिंदी शब्द में संस्कृत शब्द अलग होता है और हिंदी शब्द अलग होता है। तो हिंदी शब्द में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं, शब्दों के जिस रूप से एक प्राणी अथवा एक ही वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे गाय, लड़का, गधा, कपड़ा, माला, ये एक वचन दिया। और बहुवचन, बहुवचन किसे कहते हैं, जैसे आया शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणी अथवा वस्तुओं का बोध होता है वह सब बहुवचन होता है। जैसे गाय, लड़के, गधे, कपड़े, मलाए, सानिया आदि। अब देखिए एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए मालूम है, कुत्ता एक वचन है कुत्ते, बरामदा बरामदे आदि, ये तो आप लोग बना ही लेंगे। अब देखिए विशेष संस्कृत के आकारांत और संबंध सूचक शब्दों में यह नियम लागू नहीं होता। जैसे माता, मामा, चाचा, दादा, पिता, फूफा, दादा, देवता, नेता, दाता, योद्धा, सखा, भ्राता, बंधु। अब देखिए दूसरा है इकारांत और यानी छोटी इकारांत और इकारांत। स्वर में देखिए आवाज को थोड़ा खींच कर बोला जाता है, बड़ी की आएगा उसमें स्वर खींच कर आता है। इसलिए शब्दों के अंत में ई और ई के स्थान पर ईआ कर देते हैं, जैसे सीपी सीपीआ। अब देखिए सीपी में जैसे दिया है, सीपी में दोनों पर बड़ी की मात्रा लगी। अगर हम इसको बहुवचन में बनाएंगे तो स्व पर बड़ी की मात्रा लगी और क पे छोटी की मात्रा लगी, और चलो ये हो गया सीपीआ। जैसे इसी तरह जैसे लड़ाई लड़ाई, है ना, रोटी रोटियाँ। जैसे बिल्ली, अब इस तरह देखिए जैसे बिल्ली बिलिया, बिल्ली यानी ब पे छोटी की मात्रा है और ल पे बड़ी की मात्रा होती है। तो हम बहुवचन बनाने के लिए हम छोटी की मात्रा लगाएंगे। बच्चों आपको ये समझ में आ गया, यदि स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या शुरू तो उसका या हो जाता है। जैसे चिड़िया चिड़िया, ये चिड़िया पढ़ेंगे एक वचन में है, ये चिड़िया और चिड़िया। स्वर में भी पहचान करिएगा चिड़िया, यानी इस पर चंद्रबिंदी रह जाएगी, ये एक वचन में आ गया। और चिड़िया इस पर चंद्रबिंदी लगे ये बहुवचन में आ गया। गुड़िया ये चंद्रबिंदी रहे एक वचन है, और गुड़िया यानी बहुवचन में आ गया। अब आकारांत सब देखिए बच्चों, अकारांत आकार और उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप में ये जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे आँख आँखें, बहन बहने, पुस्तक पुस्तकें आदि। ये तो बच्चों आप लोगों को मालूम है। अब जैसे दिया है गाय गाय, ये तो आ ही गया। अब आया आकारांत शब्द बनाने के लिए, जैसे छात्रा छात्रा छात्राएं, माता माताएं, ये सब लगाकर ये सारा आप लोग को ज्ञान हो गया, मालूम समझ में आ गया। अब इकारांत यानी वस्तु वस्तु में, ऋतु ऋतु में आ गया। यदि स्त्रीलिंग शब्द उकारांत है तो बड़ा की छोटा उ करके ये जोड़ देते हैं, जैसे वधु वधुए। अब देखिए वधु बड़ा उ लिखा है, अगर ये जोड़ेंगे तो वधुए ये छोटा उ, बहु बहु। अब देखिए जो पुलिंग शब्द आकारांत नहीं होते, बहुवचन बनाते समय उनका परिवर्तन नहीं होता,
उनके रूप संख्यावाची शब्द बनाकर बोल सकते हैं। जैसे एक फूल दस है, एक मन तीन मन। बच्चों आपको समझ में सारे आ गए? ये व्याकरण है, आपको व्याकरण की परिभाषा मैंने पहले समझाई दी है कि व्याकरण से ही हमें पढ़ने लिखने शुद्ध लिखना पढ़ना और बोलना आता है, उसी को व्याकरण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे हिंदी, हमको हिंदी पढ़ना और लिखना सीखना है तो हमारे ये व्याकरण है जो इसके माता पिता होते हैं हिंदी के, व्याकरण के द्वारा ही हम सीख सकते हैं। तो बच्चों आप किताब अवश्य ले लें व्याकरण की, ताकि अच्छी तरह से। अब मान लीजिए घर पर भी रह कर भी आप एक वचन बहुवचन और स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाएगा और आपको अधिक से अधिक समझ में आएगा और याद करेगा। थैंक यू।